अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और जहांजेब, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप? अब सब को मर्ज़ प्यार इस्लाम। तो गाइज, आज एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार वीडियो आपने लेके हैं। तो पहले ईद मुबारक, एक बार फिर एक पहले वीडियो दे रहे हैं, फिर आप कहेंगे ईद मुबारक। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें ईद की खुशियों के लिए हमें मुबारकबाद भेजी कमेंट सेक्शन में, सबका शुक्रिया। उस वीडियो में जहाँ तक नहीं थे आप भी दे दो भाई, ईद मुबारक आप सबको, हर बंदे को मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी 10 टॉप की वेब सीरीज हैं इंडिया की। तो चलते हैं ये वीडियो देखते हैं, बात करेंगे। तो हमने बताया नहीं है, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है टॉप इंडियन वेब सीरीज। बता तो दिया है भाई, और ये वीडियो है जी अभी का रिव्यू, बहुत बड़ा चैनल है इनका। जो सोच और इमेजिनेशन हम सपनों में भी नहीं कर सकते, उस लेवल का क्वालिटी कंटेंट वेब सीरीज हमें दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें स्पून फीडिंग कराया जाए। हम ऐसा है। गेम बहुत लंबा जाएगा लोगों, बहुत लंबा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 वेब सीरीज 2020। इनमें से कई वेब सीरीज YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, और बाकी की फ्री ट्रायल पे आप OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी लिस्ट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की कंप्लीट लिस्ट, वो कहाँ अवेलेबल है, उनके एपिसोड्स, ड्यूरेशन, ये सब आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी @abhi_review पे मिल जाएगा। संजू सिट, तुम ऐसे डॉगी की तरह मत बात करो मुझसे। संजू लेग पीस दूंगी, सिट। आपने कई सारी इंजीनियरिंग की वेब सीरीज देखी और पसंद की होगी। नंबर 10 की ऑपरेशन MBBS, जो डाइस मीडिया YouTube चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। ये आपको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की रियलिटी दिखाती है। 5 एपिसोड्स 30 मिनट ईच, आप देखेंगे किस तरह से स्टूडेंट्स स्ट्रेस और प्रेशर से गुजरते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौज मस्ती और पागलपन भी एक मेडिकल कॉलेज में उतनी ही चलती है। कम्प्लीटली परफेक्ट तो नहीं है ये वेब सीरीज, इसीलिए हमने इसे नंबर 10 पे रखा है। तुम्हारे पेरेंट्स को लग रहा होगा हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, रिलेटिव्स को बताते नहीं थकते होंगे कि हमारे बच्चे आनंदी भाई जोशी से MBBS कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं? 4 साल से एक क्लास में बैठा के रखा। नंबर 9 पे 8 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच Amazon Prime पे अवेलेबल है अफसोस। गुलशन देवाई की एक्टिंग की वजह से ये वेब सीरीज इस लिस्ट में है। अपनी फ्रेश आइडियोलॉजी और यूनिक कंटेंट की वजह से ये वेब सीरीज इस लिस्ट में है। शुरुआत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में ये वेब सीरीज आपको हुक करके रखती है। नकुल, जो कई सारे फेल सुसाइड अटेम्प्ट्स के बाद एक किलर को हायर करता है अपने आप को मारने के लिए, लेकिन फिर किसी रीजन से नकुल का मन बदल जाता है। लेकिन जो उपाध्याय है जो उसे मारना चाहती है, उसने एक बार अपने हाथ में जो कोई काम ले लिया तो उसे पूरा करके छोड़ा। एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस ये वेब सीरीज आपको देती है, लेकिन कुछ होल्स भी है इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स के साथ, इसीलिए ये नंबर 9 पे है। नंबर 8 की वेब सीरीज हम सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कुछ चीजों के बारे में हम इतना जजमेंटल होते हैं कि उसका नाम सुन के हम जज कर लेते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी पबजी थोड़ा बहुत भी खेला है, तो पबजी मोबाइल गेमिंग यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है दोस्ती का नया मैदान। ये वेब सीरीज उन सभी गेमर्स की गेमिंग को जस्टिफाई करती है कि उनके लिए भी एक करियर है, किस तरह गेमर्स अपने गेमिंग को टैलेंट बना के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत भरी हुई वेब सीरीज है। इसके पहले एपिसोड में जो मीना ने काम किया है वो देख के आपका दिल आ जाएगा इस वेब सीरीज पे। इसकी सबसे अच्छी बात है कोई एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हर एपिसोड में अलग अलग पबजी के गेमर्स की कहानी आपको देखने मिलेगी। नंबर 7 पे शॉर्ट एंड स्वीट 5 एपिसोड 15 मिनट ईच मिस्टर एंड मिसेस सीजन 2 गरिया पर YouTube चैनल पर फ्री में अवेलेबल है ये वेब सीरीज। इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात है इसका सरकैज़म ह्यूमर, किस तरह कपल की डे टू डे लाइफ में से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को निकाल कर उसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर जितना बड़ा प्रॉब्लम दिखाया। हर एक डायलॉग पंच लाइन दोनों एक्टर्स की बैंग ऑन है। कुछ सेंटेंस और लाइन इनकम्प्लीट छोड़ दी जाए तो उसमें से ह्यूमर निकलता है। अगर उस ह्यूमर को आप पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज बिल्कुल आपके लिए। I like that energy, sir. I like that energy. नंबर 6 पे कबीर खान की Amazon Prime पे अवेलेबल है द फॉरगॉटन आर्मी 5 एपिसोड्स 40 मिनट्स ईच। इस वेब सीरीज का अगर रोमांस पार्ट हटा देते तो ये टॉप 3 की लिस्ट में होती है। एक बिग बजट बॉलीवुड मूवी की तरह इस वेब सीरीज को बनाया, किस तरह वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस को यूज किया जाता था जंग लड़ने के लिए। इस सीरीज की वॉर सीक्वेंस देखकर तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये वेब सीरीज है, आपको लगेगा कि कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। मुझे ये याद नहीं कि मैं इंग्लैंड कब आया था तुम्हारा नमक खाने, लेकिन इतना अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले 200 साल से हिंदुस्तान में रहकर तुम हमारा नमक जरूर खा रहे हो। अगर आप मिलिट्री ड्रामा मिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं, ऑनेस्ट और एकदम रियलिस्टिक वे में उसे देखना चाहते हैं, आपके लिए नंबर 5 पर Z5 पे अवेलेबल है कोड M 8 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच। अंडररेटेड टीवी एक्ट्रेस जेनिफर की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग आपको इस वेब सीरीज में देखने मिले। मेजर मोनिका को एक बहुत ही सिंपल केस असाइन किया जाता है जिसमें उसे पता करना है एक आर्मी ऑफिसर ने फेक एनकाउंटर किया है या नहीं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज में देखेंगे कैसे एक के बाद एक लेयर्स आते जाते हैं कहानियों के, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। सर आपको एक कॉल आपके कार से संबंधित किया जा रहा है, सर बताना।
जानना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। अगर आप मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज के फैन हैं और आपको रॉ और रफ एंड टफ वेब सीरीज देखना पसंद है तो नेक्स्ट वेब सीरीज है नंबर 4 पे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है 10 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच जमतारा। बहुत ही बेधड़क और बिंदास लैंग्वेज, बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है ये वेब सीरीज। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड ये इंडियन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज आपको अपनी स्क्रीन प्ले से हुक करके रखे। आप जमतारा की स्टोरी से अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे क्योंकि आपको भी कभी बताने के फेक स्कैम कॉल्स आए होंगे। लिटिल थिंग्स के बाद अगर कोई बेस्ट रोमांस कॉमेडी वेब सीरीज आई है मेरे लिए वो अवेलेबल है Z5 पे 10 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। ये वेब सीरीज लंदन में शूट की गई है और बिल्कुल भी नहीं लगता ये स्मॉल बजट है। 10 के बजाय अगर 7 एपिसोड्स में खत्म किया जाता तो बेस्ट होती है। नकुल सिंह और अन्या सिंह की एक्टिंग आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देगी कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। कई सारे दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, ड्रामा, सस्पेंस, बहुत कुछ है इस वेब सीरीज में। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नंबर 2 पे वेब सीरीज नई इमोशन है। 2019 में कोटा फैक्ट्री था मेरा इमोशन, लेकिन 2020 में है क्यूबिकल्स। 5 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच टीवीएफ प्ले और यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। आज तक जितनी भी वेब सीरीज आई है सबने जॉब और जॉब करने वालों की बहुत बजाई है, जिस वजह से टिपिकल 9-to-5 वाली जॉब को एक लूजर की तरह समझा जाता है। लेकिन यही तो ढूंढ रहे थे हम इस लिस्ट में एक ऐसी वेब सीरीज जो हमारी सोच को बदले। एक एक एपिसोड आपको इस वेब सीरीज का और भी गहराइयों में लेके जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन है आप इनके कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हो, अपने आप को या फिर अपने आसपास के लोगों को इनके कैरेक्टर्स में देखने लगते हो। स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा पीयूष प्रजापति का जिसने अभिषेक चौहान का रोल प्ले किया। कुछ कैरेक्टर्स फॉर एवर के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं, ये उनमें से एक है। राइट दोनों होती है इंडियन माइथोलॉजी की हेल्प से। बहुत ही ग्रिपिंग राइटिंग की गई है इस वेब सीरीज की। अगर आपकी और मेरी सोच कहीं मिलती है वेब सीरीज और मूवीज की चॉइस को लेकर तो आइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी abhi_review पर इस चैनल को सब्सक्राइब। मैंने सुना है कि वेब सीरीज के अंदर क्या नवाजुद्दीन सदीकी की बड़ी जबरदस्त किस्म की वेब सीरीज है, उनका नाम क्यों नहीं आया टॉप 10 में? वो आप 2020 की बात कर रहे हैं, असल बात ये है। आप वो पुराने दौर की बात नहीं कर रहे, मेन वजह ये है 2020 में कोई, मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी बार लिस्ट भी बना ली होगी, इस बार की कोई आई हो शायद, लेकिन मुझे लगता है कि मूवी ही आई है ज़्यादातर। एक वेब सीरीज आई है वो भी आज आई है, तो उसको तो लिस्ट में हो जाती है अगर वो ये वीडियो अगर नहीं होती तो। नई वीडियो बनाएंगे अगर टॉप 20 की तो फिर तो जारी बातें आएंगी, वो लाजमी आएगी क्योंकि बहुत अच्छी मुझे लग रही है, तो बाद में देखेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा आप बताएं कि हम बाकी सही कहते हैं भाई ने कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी नहीं देखी? और जहाँ जहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो मतलब यह है कि देखी है लेकिन स्पेशली जिसमें वो मेन रोल पे हो। हाँ देखिए गोल्फ वाली देखी है जिसमें स्पेशल वो मेन रोल था, मतलब बार मतलब जंगी बार क्या उसकी ज़्यादा मूवी देखी है तो गैंग वसीपुर देखी है। सिर्फ गैंग वसीपुर ही नहीं देखी, सबसे हिट मूवी वही है। जब सिर्फ गैंग वसीपुर नहीं देखी मतलब उसने सारी एक्टिंग गैंग वसीपुर में की, सब वही की है और भी हर जगह पे उसकी सबसे अच्छी उसने गैंग वसीपुर में की। बदलापुर में इतनी अच्छी एक्टिंग की थी उसने, सबसे अच्छी उसने गैंग वसीपुर में किया। सही बात है, जो मर्जी कर ले कमेंट में लाइन लग जाएगी गाइस की। भाई ये नहीं कह रहा कि नहीं की, मैंने कहा है कि वो हर जगह जहाँ भी एक्टिंग करता है अच्छी करता है, जहाँ भी करते हैं वो तो जाहिर बात अच्छी करते हैं। लेकिन अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट बनाएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बताएं नंबर 1 पे कौन सी मूवी देंगे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की? और भाई मैं इधर आ रहा हूं पहले वीडियो बना देते हैं। वेब सीरीज की बात हो रही है, हमने की बात ही हम कौन सा और बात कर रहे हैं, वेब सीरीज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इस वक्त जो वेब सीरीज है मैं ये पूछना चाह रहा हूं किस ने इनमें से कोई वेब सीरीज देखी है? मैं तो देखूंगा वो पबजी वाली। पबजी वाली मुझे बस फजूली लग रही है, जबरदस्ती ऐड किया है पबजी लवर्स के लिए बस। यार ये उनको दिखाएं, ये उनको दिखाएं जो लोग पबजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके माँ बाप उन्हें पबजी नहीं खेलने देते, वो भी ऐसे लगाएं कि ऐसे ही बस टीवी चलाता हुआ जा रहा है और लग गई है तो लगी रही बस। वो अबू बैठे हैं सामने, पापा देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं बैठ के, हाँ मुझे पबजी नहीं खेलने देते। नहीं नहीं मैं तो देखूँगा पबजी। और दूसरी बात ये है कि हम भी जो है ना एक वेब सीरीज देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं हम, तकरीबन 3 महीने से एक ही वेब सीरीज देख रहे हैं और वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, और वो वेब सीरीज उसका सीजन 5 हमारा चल रहा है, डेरलेस आर्थरल। अभी उसका सीजन 6 भी जो है उस टाइम भी लगातार चल रहा है, वो इस वक्त ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन ही चल रहा है लेकिन आप देख सकते हैं हर सीजन में 60 से 70 एपिसोड है।
जो कि 60-60 मिनट का एक एपिसोड है। उसके टोटल 6 सीजन अभी तक आ चुके हैं। इंतहाई लाजवाब और बेमिसाल किस्म का ये क्या कहते हैं वेब सीरीज है। इसकी कोई वेब सीरीज नहीं देखी आज तक। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। मैंने उसके बाद से तकरीबन मूवीज ड्रामे इंडिया में भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। इंडिया में इनफैक्ट दरअल सरतुरुल जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली कंट्रीज में पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा दूसरे पे इंडिया, बाद में तुर्की वगैरह आएंगे जहाँ पे असल में ये ड्रामा रिलीज हुआ था। अभी तो लैंग्वेज में भी नहीं आया। वैसे भी सब दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश सबटाइटल में चल रहा है, कहीं पे हम सब सबटाइटल में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज भी यही है हर लिहाज से। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। की वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।